हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेल एक्सपर्ट चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोडक्ट एडाप्टर को क्रिएट किए थे एंड कम्प्लीटली इसका कोड भी क्रिएट किए थे। ओके, तो इस वीडियो में हम एक्टिविटी डिस्प्ले प्रोडक्ट डॉट एक्सएमएल का कोड क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट लेआउट इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंट है। तो इसको हम आईडी डिफाइन कर देते हैं। तो हम मैच पैरेंट के नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ एंड इसको आईडी डिफाइन कर देता हूँ, आईडी अंडर एट आईडी कंस्ट्रेंट लेआउट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने आईडी डिफाइन कर दी है। अभी हम इसको एंटर करेंगे एंड यहाँ पे हम कार्ड व्यू का यूज़ करेंगे एंड इसके नीचे हम बटन का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे कार्ड व्यू इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये जो आपको टॉप में दिखाई दे रही है एंड्रॉइड एक्स कार्ड व्यू, हम इसका यूज़ करेंगे। इसके बाद हम विड्थ यूज़ करेंगे मैच पैरेंट एंड विड्थ हम सॉरी हाइट हम यूज़ करेंगे 0 dB। तो सबसे पहले मैं इसको आईडी डिफाइन कर देता हूँ कार्ड व्यू को, एट द रेट आईडी कार्ड व्यू, कैपिटल वी आपको यूज करना है कार्ड व्यू। ये होने के बाद आपको एंटर कर देना है एंड यहाँ पे आपको यूज करना है मार्जिन बॉटम। मार्जिन बॉटम यूज करेंगे हम 20 dB एंड इसको हम एंटर कर देंगे। ये होने के बाद आपको कॉर्नर रेडियस यूज करना है, कार्ड कॉर्नर रेडियस 25 dB। अगेन हम एंटर करेंगे एंड कार्ड एलिवेशन का भी यूज करेंगे। कार्ड एलिवेशन हम यूज करेंगे सेम जो हमने कॉर्नर रेडियस का यूज किए थे 25 dB। तो देखो सबसे पहले तो विड्थ मैच पैरेंट ले लिए एंड जो हमारी हाइट रहेगी वो 0 dB रहेगी। ओके, एंड मार्जिन बॉटम हमने 20 dB दिए। 20 dB इसलिए दिए क्योंकि यहाँ पे हमारा बटन रहेगा एंड हमने कार्ड कॉर्नर रेडियस, क्योंकि जो हमारा कार्ड रहेगा वो थोड़ा कॉर्नर में शेप रहना चाहिए, इसलिए हमने कार्ड कॉर्नर रेडियस यूज़ किए एंड कार्ड एलिवेशन का यूज़ किए। अभी हम क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट एंड टू एंड ऑफ यूज़ करेंगे। एंड टू एंड ऑफ ये जो आपको थर्ड में दिखाई दे रहा है इसको हम यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे प्रोवाइड करना आपको बस पैरेंट। होने के बाद अगेन आपको एंटर करना है एंड स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ यूज करना है। ये जो आपको थर्ड में दिखाई दे रहा है स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ, यहाँ पे भी आपको पैरेंट यूज करना है। अभी टॉप टू टॉप ऑफ यूज करना है आपको, यहाँ पे भी सेम पैरेंट यूज कर देना है। इसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे, ये जो कंस्ट्रेंट सॉरी कार्ड व्यू है इसको हमें क्लोज करना होगा। क्लोज करने के बाद आपको एंटर करना है क्योंकि ये कार्ड व्यू के अंदर में हमारा कोड रहेगा। तो अभी फिलहाल तो मैं बटन को क्रिएट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे बटन इम्प्लीमेंट कर देता हूँ बटन एंड इसकी हम विड्थ एंड हाइट डिफाइन करेंगे, रैप कंटेंट रैप कंटेंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बटन आ रहा है एंड इसकी हम आईडी डिफाइन कर देंगे बटन की। एडरेट आई डी बाय बटन, ठीक है बाय बटन हम इसकी आईडी का नेम लिख देंगे। ये होने के बाद आपको एंटर करना है यहाँ से एंड मार्जिन बॉटम यूज करना है आपको। तो यहाँ पे रहेंगे हमारी बटन, तो मार्जिन बॉटम हम प्रोवाइड कर देंगे 40 dB। तो हमने यहाँ पे दे दिया 40 dB। तो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको कि मार्जिन बॉटम 40 dB हमने क्यों दिए एंड यहाँ पे हम बैकग्राउंड टिंट का भी यूज़ कर लेंगे। बैकग्राउंड टिंट में हम कोड प्रोवाइड करेंगे #3F51B5। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बटन शो हो रही है अच्छे से। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट शो नहीं हो रहा बटन के अंदर में, इसलिए हम टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे बाय नाउ। आप देख सकते हो अभी बाय नाउ का अच्छे से शो हो रहा है। मैं अभी एंटर प्रेस कर देता हूँ एंड यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे हम कार्ड कॉर्नर रेडियस। तो कॉर्नर रेडियस यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे ऊपर का जैसे कि वैसे
कॉपी कर लेंगे कार्ड कॉर्नर रेडियस। तो हम कार्ड कॉर्नर रेडियस यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये कार्ड व्यू था, इसमें हमें बटन भी यूज़ करना पड़ेगा, सिर्फ कॉर्नर रेडियस। तो हम टाइप करके देखेंगे, हम कॉर्नर रेडियस, तो यहाँ पे भी ये शो नहीं हो रहा है, तो मैं इसको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड इस कार्ड को आपको रिमूव करना होगा क्योंकि ये बटन में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, तो कार्ड को मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी आ चुका है कॉर्नर रेडियस 25 dp, एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉर्न आ चुका है। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको नीचे के लेके आना होगा हमें, इसलिए बॉटम टू बॉटम हम यूज करेंगे। सबसे जो टॉप में दिखाई दे रहा है बॉटम टू बॉटम ऑफ पैरेंट, एंड सेम एंड टू एंड ऑफ इसको भी हम प्रोवाइड करेंगे पैरेंट, एंड स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ इसको भी सेम आपको प्रोवाइड करना है पैरेंट। एंड हम यूज करेंगे यहाँ पे टॉप टू बॉटम ऑफ, @ID कार्ड व्यू, ठीक है। तो हम किसके नीचे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये जो कार्ड व्यू हमने इम्प्लीमेंट किए थे उसके नीचे, ठीक है। तो अभी हमें कार्ड व्यू जो है वो किसके ऊपर रहेगा, हमारा कार्ड व्यू रहेगा बटन के ऊपर में, तो इसको हमें यूज करना होगा बॉटम टू टॉप ऑफ। आपको अच्छे से सिलेक्ट करना है यहाँ पे कंस्ट्रेंट बॉटम टू टॉप ऑफ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, एंड @ID, एंड इसकी आईडी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है बाय बटन की। तो जैसे हम बाय बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट कार्ड व्यू आ जाएगा, यहाँ पे बटन आ जाएगा, एंड ये जो हमने बॉटम यूज किया था मार्जिन बॉटम वो 40 dp इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ से हमें गैप मिलना चाहिए। ओके, तो आई होप अभी समझ में आएगा कि मार्जिन बॉटम भी क्यों दिए थे एंड कार्ड व्यू हमने क्यों यूज किया। तो अभी हमें क्या करना है, इस कार्ड व्यू के अंदर एक इमेज इम्प्लीमेंट करना है एंड यहाँ पे टेक्स्ट व्यू यूज करना है, तो इसलिए मैं कार्ड व्यू के अंदर आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे लीनियर लेआउट। ओके, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा, तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ लीनियर लेआउट। इसकी विड्थ हम प्रोवाइड करेंगे मैच पैरेंट, एंड इसकी हाइट प्रोवाइड करेंगे मैच पैरेंट। आपको एंटर करना है इसके बाद, एंड बैकग्राउंड आपको सिलेक्ट करना है, व्हाइट, @ कलर व्हाइट। ओके, ये होने के बाद हम ओरिएंटेशन सिलेक्ट करेंगे क्योंकि जो भी रहेगी हमारी इमेज टेक्स्ट व्यू सभी वर्टिकल इसमें रहेगी, इसलिए हम ओरिएंटेशन दे देंगे वर्टिकल। तो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ इस लीनियर लेआउट को, एंड इस लीनियर लेआउट के अंदर में हम यूज करेंगे एक इमेज व्यू को। तो लीनियर लेआउट को मैं एंटर कर देता हूँ, एंड यहाँ से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ इमेज व्यू, एंड इस इमेज व्यू में विड्थ प्रोवाइड करेंगे 400 dp, एंड हाइट प्रोवाइड करेंगे 400 dp। एंड इस इमेज व्यू की हम आईडी डिफाइन कर देंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज व्यू आ चुका है। एंड पहले तो मैं इसको आईडी डिफाइन कर देता हूँ, तो आईडी हम क्या डिफाइन करेंगे, @ID नेसेसरी डिस्प्ले इमेज। आप कुछ भी नेम दे सकते हो इसका, बट मैं इसका नेम दे देता हूँ नेसेसरी डिस्प्ले इमेज। ये होने के बाद हम स्केल टाइप यूज करेंगे, सेंटर में आना चाहिए इसलिए। तो ये काफी बड़ी इमेज है इसलिए हम क्या करेंगे, फिट सेंटर यूज करेंगे स्केल टाइप में, नहीं तो हम मोस्टली सेंटर क्रॉप ही यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है फोर्थ में फिट सेंटर, इसका हम यूज करेंगे। एंड यहाँ पे हमें सोर्स का भी यूज करना पड़ेगा, तो हम सोर्स में कौन सी इमेज ले लेंगे, जो हमने रो आइटम में लिए थे इमेज 1, तो वही हम यूज करेंगे,
वन, ठीक है। तो देख सकते हो अभी हमारी इमेज शो हो रही है। तो इसको मैं सबसे पहले क्लोज कर देता हूँ, इस इमेज व्यू को। अभी हमें यूज करना पड़ेगा टेक्स्ट व्यू, क्योंकि इसके नीचे हमारा टेक्स्ट व्यू रहेगा। तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ टेक्स्ट व्यू। इसकी विड्थ रहेंगे मैच पैरेंट एंड इसकी हाइट रहेंगी टेक्स्ट व्यू के रैप कंटेंट। तो मैं इसको सबसे पहले स्क्रॉल कर देता हूँ एंड अभी हम टेक्स्ट व्यू की आईडी भी डिफाइन करेंगे। आईडी एट द रेट आईडी प्राइस डिस्प्ले प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट नहीं टेक्स्ट, क्योंकि हमारी ये जो है टेक्स्ट रहेगा ना, तो इसमें हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, प्राइस डिस्प्ले टेक्स्ट। इसके बाद अभी हम मार्जिन टॉप यूज करेंगे। ये जो हमारा टेक्स्ट रहेगा वो मार्जिन टॉप 12 dp का थोड़ा डिस्टेंस रहना चाहिए, इसलिए मैं प्रोवाइड कर देता हूँ मार्जिन टॉप। ये जो आपको सबसे नीचे में शो हो रहा है इसको आपको सिलेक्ट करना होगा एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे 12 dp। इसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट हम सेंटर में लेके आएंगे, क्योंकि ये हमें सेंटर में चाहिए। तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। ये होने के बाद आपको एंटर कर देना है एंड टेक्स्ट कलर भी प्रोवाइड कर देंगे हम। तो हमें टेक्स्ट कलर कौन सा चाहिए, तो ब्लैक कलर का टेक्स्ट कलर चाहिए, #000। एंड टेक्स्ट साइज हम थोड़ा बड़ा लेंगे इसका थोड़ा, तो टेक्स्ट साइज 21 sp। एंड टेक्स्ट स्टाइल हम प्रोवाइड करेंगे बोल्ड, बट एक्चुअली हमने यहाँ पे अभी तक टेक्स्ट दिया ही नहीं है, इसलिए वो शो ही नहीं हो रहा है। मैं 2 मिनट पहले टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड डिफाइन कर देता हूँ एंड अभी मैं टेक्स्ट ही देता हूँ टेक्स्ट। तो इंडियन रुपीस में दे देता हूँ मैं INR $35। अब कुछ भी दे सकते हो, ओके। तो ये तो हुआ अभी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो हमने डिक्लेयर कर दिया। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ सबसे पहले। तो अगेन हमें टेक्स्ट व्यू का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसका टाइटल भी देना होगा। तो अगेन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट व्यू। तो विड्थ हम प्रोवाइड करेंगे मैच पैरेंट एंड हाइट प्रोवाइड करेंगे हम रैप कंटेंट एंड इस टेक्स्ट व्यू को हम आईडी डिफाइन करेंगे @ID नेम डिस्प्ले टेक्स्ट, जैसे हमने इसका प्राइस लिखा था एंड यहाँ पे हमने इमेज डिस्प्ले लिखा था। तो यहाँ पे करना पड़ेगा नेम डिस्प्ले, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट का नेम रहेगा। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ नेम डिस्प्ले। ये होने के बाद अभी आपको अगेन मार्जिन टॉप यूज़ करना होगा। तो अभी मैं मार्जिन टॉप ना यूज़ करते हुए लेआउट मार्जिन यूज़ कर लेता हूँ 12 dp। तो सभी तरफ से गैप रहेगी तो बेटर रहेगा, तो इसलिए हम सिलेक्ट करेंगे लेआउट मार्जिन को एंड यूज़ करेंगे हम 12 dp। एंड हम टेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे यहाँ से, टेक्स्ट हम प्रोवाइड करेंगे चीज़ बर्गर। आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी टाइटल का नेम रहेगा। वहाँ पे तो हमने रो आइटम में पिज़्ज़ा लिखा था, यहाँ पे हम लिख रहे हैं चीज़ बर्गर। तो आपकी इच्छा कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ चीज़ बर्गर। ये होने के बाद आपको एंटर करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट शो हो रहा है। अभी हमें टेक्स्ट अलाइनमेंट यूज़ करना पड़ेगा, सेंटर में लेके आना पड़ेगा इसको। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। बाद में हम टेक्स्ट साइज थोड़ा इसको इंक्रीज कर लेंगे, तो इससे थोड़ा बड़ा रहेगा हमारा, क्योंकि ये हमारा टाइटल है। तो टाइटल मिनिमम 30 sp रख देते हैं। तो आप देख सकते हो अभी थोड़ा बेटर लग रहा है, क्योंकि ये जो हमारा प्राइस है इससे थोड़ा बेटर रहेगा, मीन्स थोड़ा मोटा रहेगा। तो इसलिए हमने टेक्स्ट साइज 30 sp यूज़ कर लिया है। इसके बाद हम टेक्स्ट कलर यूज़ करेंगे। तो टेक्स्ट कलर हम #00 मीन्स ब्लैक कलर यूज़ करेंगे #000। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी शो हो रहा है।
तो अभी हमारा ये जो नेम है इसका भी वर्क हो चुका है, तो इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। अभी फाइनल लास्ट बाकी है हमारा डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अगेन लीनियर लेआउट के अंदर ही टेक्स्ट व्यू की विड्थ दे देंगे हम मैच पैरेंट, एंड हाइट भी यूज़ करेंगे हम मैच पैरेंट। सबसे पहले तो मैं आईडी डिफाइन कर देता हूँ, जैसे सबको आईडी मैंने डिफाइन किए है यहाँ पे, तो आईडी हम प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे नेम किया था, सेम यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन यूज़ कर लिया है। इसके बाद हम एंटर करेंगे, एंड लेआउट मार्जिन जैसे यूज़ की थी हमने 12 dp, सेम यहाँ पे मैं कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ, सबसे बेटर। एंड टेक्स्ट हम प्रोवाइड कर देंगे, तो टेक्स्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो, उसकी डिस्क्रिप्शन जैसे दिस चीज बर्गर इज बेस्ट फॉर अवर हेल्थ डाल देता हूँ। तो आप कुछ भी रैंडमली यूज कर सकते हो यहाँ पे, एंड डिस्क्रिप्शन को आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा बैक स्पेस से रिमूव कर देता हूँ एंड टॉप पे लेके जाता हूँ इसको। तो जैसे कि वैसे मैं अगेन कॉपी कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा डिस्क्रिप्शन बढ़ाने के लिए। तो आप कुछ भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रैंडमली अभी मैं कुछ भी एंटर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख लिया, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ इस टेक्स्ट व्यू को। तो अभी हमारा कम्प्लीटली डिस्क्रिप्शन का वर्क हो चुका है, तो मैंने इसको भी क्लोज कर दिया इस टेक्स्ट व्यू को। बट यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने इस बटन को क्लोज नहीं किया है। मैं इसको सबसे पहले बटन को क्लोज कर देता हूँ, तो जैसे हम इसको क्लोज करेंगे तो थोड़ी देर में एरर रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। सबसे पहले हमने इमेज व्यू इम्प्लीमेंट की है यहाँ पे, बाद में हमें यहाँ पे 3 टेक्स्ट व्यू यूज़ किए, जिसमें हमारा पहले प्राइस डिफाइन किया हमने, फिर बाद में नेम एंड फिर डिस्क्रिप्शन। तो अभी हमें प्रोडक्ट एडाप्टर में भी इसका यूज़ करना होगा, तो मैं आ जाता हूँ प्रोडक्ट एडाप्टर डॉट जावा में, एंड सबसे स्क्रोल करके नीचे आ जाता हूँ ऑन क्लिक में। ये जो मेथड हमने यूज़ की थी इसी के अंदर इंटेंट के नीचे मैं आ जाता हूँ, एंड एक एक इसको मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो हम यूज़ करेंगे आई डॉट पुट एक्स्ट्रा, एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ क्लिक प्राइस। ये होने के बाद हम यहाँ पे कोमा, यहाँ पे हम कॉमा पास कर देंगे एंड प्रोडक्ट टाइप कर देंगे, प्रोडक्ट डॉट गेट प्राइस। ओके, तो जो हमने प्राइस डिफाइन किए थे यहाँ पे हमने पुट एक्स्ट्रा यहाँ पे यूज़ किए, एंड प्रोडक्ट मेथड यूज़ कर लिए, एंड गेट प्राइस को गेट कर लिए। ओके, ये होने के बाद हम क्या करेंगे, सेम नेम फोटो एंड डिस्क्रिप्शन के लिए भी प्रोसेस करेंगे, बस प्राइस की जगह हमें आएगा गेट नेम मेथड आएगा वहाँ पे, एंड फोटो के इसमें गेट फोटो एंड गेट डिस्क्रिप्शन। तो मैं इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ, एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्लिक नेम। तो मैं टाइप कर देता हूँ क्लिक नेम, एंड ये जो गेट प्राइस है इसकी जगह हम यूज करेंगे गेट नेम। ओके, एंटर कर देता हूँ मैं, अगेन सेम कंट्रोल डी करेंगे हम यहाँ से, एंड क्लिक नेम की जगह क्लिक फोटो। तो आपको कैपिटल पी दे देना है फोटो, एंड यहाँ से हम प्रोवाइड करेंगे गेट फोटो। अगेन आपको एंटर करना है सेम आई डॉट पुट एक्स्ट्रा, एंड यहाँ पे भी हम प्रोवाइड करेंगे क्लिक डिस्क्रिप्शन। ये थोड़ा डिफरेंट रहेगा, क्लिक डिस्क्रिप्शन। ये होने के बाद हम कोमा पास कर देंगे, प्रोडक्ट डॉट गेट डिस्क्रिप्शन।
ये होने के बाद हम सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो अभी हमने कम्प्लीटली प्राइस, नेम, फोटो, डिस्क्रिप्शन सभी को डिफाइन कर दिया है। तो हमें एक स्टार्ट एक्टिविटी पास कर देना है, जैसे हम इंटरन में यूज करते हैं, सी डॉट स्टार्ट एक्टिविटी, एंड इंटेंट की जगह हम आई को प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो अभी हमारा कम्प्लीटली ये जो इंटेंट का वर्क था वो हो चुका है। अभी हमें माई व्यू होल्डर में आना होगा टॉप में, एंड ये जो दिख रहा है आपको एसेसरी इमेज, इसको एंटर करना है, एंड यहाँ पे जो ऑन क्लिक लिसनर यूज किए यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देना है। तो आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे दिस। ओके, तो अभी हमारा कम्प्लीटली सेट ऑन क्लिक लिसनर का वर्क हो चुका है। अभी हमें रिसाइकलर व्यू को भी डिफाइन करना होगा एसेसरी लिस्ट डॉट जावा में। तो जल्दी से हम चले जाते हैं एसेसरी लिस्ट डॉट जावा में, एंड यहाँ पे हम रिसाइकलर व्यू जो हमने डिफाइन किए थे उसी को हम डिक्लेयर कर देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ रिसाइकलर व्यू, एंड इसका नेम भी हम प्रोवाइड कर देंगे रिसाइकलर व्यू। अगेन हम टाइप करेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर, ये तो रिसाइकलर हुआ, अभी हमें एडाप्टर को भी डिफाइन करना होगा। तो इस एडाप्टर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड इसका नेम हम प्रोवाइड करेंगे एडाप्टर। अभी मैं लिस्ट को भी प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ से, लिस्ट प्रोडक्ट्स, एरे का सिंबल देखिए मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा प्रोडक्ट्स, एंड इसका नेम हम दे देंगे माय प्रोडक्ट लिस्ट। आप कोई भी रैंडमली नेम दे सकते हो। इज इक्वल टू ये जो एरे है इसको डिफाइन करना होगा न्यू एरे लिस्ट। ओके, न्यू एरे लिस्ट, इसके बाद हमें सेमी कॉलम यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है, हम इसको एंटर कर देंगे। तो अभी हमारा कम्प्लीटली यहाँ का वर्क हो चुका है। तो अभी हम एसेसरी लिस्ट इसके नीचे आ जाएंगे, एंड यहाँ पे जो हमने रिसाइकलर व्यू डिफाइन किया इसको यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना होगा। तो मैं एक एक एडाप्टर रिसाइकलर व्यू माई प्रोडक्ट लिस्ट को डिफाइन कर देता हूँ। ओके, तो हम प्रोवाइड करेंगे रिसाइकलर व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आई डी आर डॉट आई डी डॉट, एंड हम रिसाइकलर व्यू की जो आई डी हमने प्रोवाइड की थी उसी को ही हम यूज करेंगे। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कंट्रोल प्रेस करके, यहाँ पे ये जो हमने रिसाइकलर व्यू यूज किया था इसकी हमने आईडी प्रोवाइड की थी रिसाइकलर व्यू। ओके, तो इसी को ही हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। ये होने के बाद अभी हम एडाप्टर का यूज करेंगे, एडाप्टर इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट एडाप्टर माय प्रोडक्ट लिस्ट। ओके, सेमी कॉलम से इसको भी क्लोज कर देना आपको। अभी हम लेआउट मैनेजर का यूज करेंगे इस रिसाइकलर व्यू में, तो रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, तो खुद ब खुद ये मेथड आ जाएगी, आपको अच्छे से टाइप करना है सेट लेआउट मैनेजर, एंड यहाँ पे हम ग्रिड लेआउट प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे आपको अच्छे से प्रोवाइड करना है न्यू ग्रिड लेआउट मैनेजर, एंड जिस एक्टिविटी में है मीन्स दिस कॉमा वन। ठीक है, हमें एक ही ग्रिड लेआउट मैनेजर चाहिए इसलिए हम एक ही स्पेस काउंट ऐड कर देंगे। ये होने के बाद हम इस एडाप्टर को डिफाइन भी करना पड़ेगा नीचे में, तो रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडाप्टर एंड एडाप्टर को हम प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है, जो भी रिसाइकलर व्यू को बाइंड करना था, जैसे प्रोडक्ट का वर्क, प्रोडक्ट एडाप्टर का वर्क, एसेसरी लिस्ट का। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि नेविगेशन ड्रॉअर को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ
ये जो दिख रहा है आपको, ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक्टिविटी एसेसरी लिस्ट, इसमें हम नेविगेशन ड्रॉवर को इंप्लीमेंट करने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।